लोग सोचते हैं कि अनजाने में यदि पाप हो जाए तो उसका कोई भी फल नहीं आता। ये सोचना कोरी कल्पना मात्र है। अनजाने में अगर हम आग में हाथ डाल देते हैं तो क्या मेरा हाथ नहीं जलेगा? तब भी जलेगा, इसलिए कि आग का प्राकृतिक गुण है जलाना। वैसे ही अगर हम अनजाने में भी पाप कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, भले ही अनजाने में भुगतना पड़े। अनजाने में किए गए पापों का फल अनजाने में और जानबूझकर किए गए पापों का फल जानते हुए हमें भुगतना पड़ता है। जैसे विपुल और कृष्णा दो सगे भाई हैं। विपुल 20 बरस का है और कृष्णा 2 साल का है। अचानक उनकी माँ मर जाती है। इस प्रकार दोनों को पाप का उदय कर भुगतना पड़ता है, लेकिन विपुल को जानते हुए भुगतना पड़ता है और कृष्णा को छोटा होने के कारण अनजाने में ही भुगतना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों अनुबंध के कारण मनुष्य मात्र 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बहुत पुण्य करेंगे तो देवगति मिल सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष तो जब योग्य गुरु मिलेगा तभी वो हमारे अनंत जन्मों के पापों को भस्मीभूत करके हमारे हाथ में शुद्ध आत्मा दे देगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं।